तो और हम लोग 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा नौवीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा नौवीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया? कक्षा नौवीं का अध्याय वन, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सीखा है? हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या की संक्रियाएं। और संक्रियाएं में हमने सीखा था पिछली क्लास में जोड़। क्या सीखा था? जोड़। ठीक है, क्या सीखा था हमने पिछली क्लास में? जोड़। तो जितने बच्चों को परिमेय संख्या आती है, जितने बच्चों को परिमेय संख्या आती है, बच्चे चार बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको जिनको नहीं आती बच्चे एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को परिमेय संख्या आती है बच्चे चार बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सबको आती है ना? चलो, तो पिछली क्लास में आपको परिमेय संख्या का जोड़ सिखाया गया था। चलो अब हम लोग आज क्लास में परिमेय संख्या का घटाव सीखने वाले। क्या सीखने वाले हैं? परिमेय संख्या का घटाव। और घटाव सीखने से पहले दो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चलो उसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहला एक सवाल आपसे मेरा ये है, सवाल है कि चलो बताओ सारे बच्चे -4 और +5 हमें क्या मिलेगा? चार बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, -4 और +5 हमें क्या प्राप्त होने वाला है? क्लियर है? क्या मिलने वाला है? +1 मिलने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे -1 बोले, कुछ बच्चे +1 बोले। चलो इसका भी मैं आपको तरीका सिखाता हूं, जो कि मैंने बहुत पहले आपको सिखा दिया था। चलो ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि अगर समान चिन्ह हो, क्या देखना होता है? अगर आपको समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं? हम सिंपली जोड़ देते हैं और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं अगर समान चिन्ह हो तो। ठीक है, दूसरा अगर अलग चिन्ह हो, अगर अलग चिन्ह हो तो क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर है? समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और अलग चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, चलो समान चिन्ह होगा तो हम जोड़ देंगे, अलग चिन्ह होगा तो घटा देंगे। अब रही बात यहां पे क्या है, तो सर देखेंगे ये हो गया माइनस के साथ और ये हो गया प्लस के साथ, तो दोनों अलग चिन्ह वाले हैं। तो जहां हमें पता चला अलग चिन्ह यानी अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। घटा दो, 5 में से 4 को घटा दो, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 5 में से 4 घटा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब बताओ 1 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा? 1 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा? तो जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह। बड़ा कौन है? 4 और 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है, और 5 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो इसके आगे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, हो गया प्लस का 1। क्लियर है? प्लस का 1 बोलो या 1 बोलो, बात बराबर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आप देखते हैं दूसरा सवाल। मान लो -20 हो और +10 हो, क्या मिलेगा हमें बता दो? -20 और +10 हमें क्या प्राप्त होने वाला है? हमें -10 प्राप्त होने वाला है। बहुत नहीं, -20 और +10 क्या मिलने वाला है हमें? -10। क्यों? क्योंकि अगर अलग चिन्ह होगा हम घटाएंगे, अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे? हम घटाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस में। तो अलग चिन्ह है तो अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? हम घटाते हैं। घटा दो, 20 में से 10 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 10। और 10 का है कौन सा चिन्ह रहेगा? जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो। 20 और 10 में कौन बड़ा है? तो सर 20 बड़ा है, और 20 का है कौन सा चिन्ह है? तो सर 20 का है माइनस चिन्ह है, तो माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस का 10। चलो दूसरा सवाल, -10 और -20 हमें क्या मिलेगा? -10 और -20 हमें क्या मिलेगा? हमने ये सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ा है, अभी मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, ताकि ये इसका यूज, इसका उपयोग हम लोग फ्रैक्शन, हम लोग परिमेय संख्या के घटाओं में करने वाले, इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ। बताएंगे सर बच्चे -10 -20 हमें क्या मिलेगा? कुछ बच्चे माइनस का आंसर दे रहे, कुछ बच्चे प्लस का आंसर दे रहे। ध्यान से उत्तर कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर उत्तर किया कीजिए। ठीक है, चलो देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया है, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिखवाया है क्या, कि जब भी समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं? समान चिन्ह में जोड़ते हैं और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं।
क्या करते हैं, समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो देखो एक 10 से एक 20 है, दोनों समान चिन्ह वाले हैं, तो इसको जोड़ते हैं। चलो 10 को 20 के साथ जोड़ो, क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। यह हो गया 30। अब आई बात की बड़ा पूर्णांक, अब बताओ 10 और 20 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है तो 20 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस का 30। क्लियर है, किसका होगा, माइनस का। देखो जो भी बड़ा पूर्णांक उसके आगे वाला चिन्ह लगाते हैं, ये माइनस का चिन्ह था तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस 30 हो गया। क्लियर है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से स्पेस का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से स्पेस का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो अब आते हैं हम लोग घटाने पे, परिमेय संख्या घटाओ पे। तो पहला सवाल क्या है, सवाल दिया गया है 13/4 में से हमें घटाना है 7/3 को। क्या करना है हमें, 13/4 में से किसको घटाना है, 7/3 को। चलो दो तरीका है, एक पहले आपको लॉन्गर तरीका सिखाएंगे फिर मैं आपको शॉर्टकर तरीका सिखाएंगे, दोनों तरीके से आंसर आपका एक ही आने वाला है, सही आने वाला है, ठीक है। पहले आपको लॉन्गर तरीका सीखिए फिर मैं आपको शॉर्टकर तरीका, दोनों तरीके सिखा दूंगा, ठीक है। चलो तो कुछ बच्चे आंसर डायरेक्ट करें, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गर तरीके हम क्या करते हैं, पहले हम लसा निकालते हैं, नीचे का दोनों का लसा निकालेंगे, 4 और 3 का लसा, किसका लसा निकालेंगे, 4 और 3 का, ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको गुना कर देंगे, तो 4 3 12, इसका लसा क्या हो गया, 12। अब क्या करते हैं, नीचे वाला का भाग नीचे वाले का, तो 4 से भाग करेंगे इसमें 12 में, चलो भाग दे दो 12 में भाग देंगे किससे, 4 से, ये हो जाएगा देखो आपके पास 4 3 12, कितना बार में कट गया, ये आपका कट गया 3 बार में, और 3 से क्या करेंगे ऊपर वाले में गुना, ऊपर वाले से क्या है, इसका ऊपर वाला है 13, 3 से गुना कर दिया ऊपर वाला में 13 से, बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब क्या करेंगे, फिर देखो नीचे 3 है तो नीचे वाले से भाग देंगे 3 का भाग 12 के साथ, चलो भाग दो 3 से, क्या मिलेगा 3 चौका 12, कितना बार में कट गया, 4 बार में, फिर 4 से क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 4 × 7 हो जाएगा, ये ऊपर हो गया आपके पास 13 × 3 = 39 और 7 × 4 = 28 बट्टा में हो गया 12, 13 × 3 = 39 और 7 × 4 = 28 क्या हो गया, बट्टा में 12। अब आता है बात कि 39 में से 28 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो घटा लेते हैं 39 में से 28। देखो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, क्या मिल गया, हमें मिल गया 11/12, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया 11/12। तो ये था हमारा लॉन्ग कट तरीका, ये हमारा क्या था, लॉन्ग कट तरीका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सर चुका, हाँ 11/12। तो ये था हमारा लॉन्ग कट तरीका। सविता सोनू नाम से जो बच्चा, जानकी बाबू मुझे जब पोल सेक्शन देना होगा मैं खुद दूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कब पोल सेक्शन देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, और जब तक मैं ना बोले कुछ टाइप करने के लिए तब तक आपको टाइप नहीं करना है। तो कुछ बच्चे यस यस वाई वाई टाइप कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं तभी आपको टाइप करना है, अगर आप अनावश्यक टाइप करोगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपका एक भी अनावश्यक कमेंट जो होगा क्लास को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इस बात पर ध्यान दो, अगर आप अनावश्यक कमेंट करोगे क्लास से बाहर हो जाओगे, ठीक है, आगे से कोई बच्चा ऐसे नहीं करेगा। चलो फिर से सुनाते, चलो इसका हमें एक आपको शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं जो कि बहुत ही सरल तरीका है, शॉर्टकट तरीका ध्यान दो, देखो क्या है शॉर्टकट तरीका, ध्यान देंगे क्या है, हमें क्या करना था 13/4 में से 7/3 को घटाना था, देखो कितना सरल तरीका सिखाते हैं, ठीक है, ध्यान दो बीच में बट्टा के बट्टा, शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, ध्यान दो। चलो यहां से स्टार्ट करेंगे, 13 का गुना करेंगे 3 के साथ, तो 13 × 3 = 39, 13 गुना किया 3 के साथ 13 × 3 = 39, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर क्या करेंगे 7 का गुना करते हैं 4 के साथ, तो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, क्लियर है, 13 × 3 = 39 और 7 × 4 = 28। अब क्या करेंगे नीचे वाला गुना नीचे वाला, तो 4 का गुना नीचे वाले साथ, तो 4 × 3 = 12, ठीक है, सिंपल। अब ऊपर का घटा दो 39 में से 28 गया क्या हो जाएगा 11 और नीचे हो गया 12, तो 11/12। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो बहुत आसान था। 13/4 के समय 7/3 घटाना था, ठीक है चलो। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है चलो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन बोला है 14/5 में से 11/3 घटाने पे क्या प्राप्त होगा। चलो आराम से करें सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, जल्दीबाजी नहीं करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए, बहुत ही आसान प्रश्न, आराम से कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। 14/5 में से 11/3 घटाने पे हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पाए अधिकतर बच्चों का आंसर सही है, ध्यान से करेंगे। देखो क्या है, 14/5 घटाओ क्या है 11/3। दोनों तरीके से बना सकते हो आप, शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो, लॉन्ग कट तरीके से भी बना सकते हो। ध्यान आपको क्या देना है, घटाते समय कि अगर अलग चिन्ह वाला होता तो घटाते हैं उसको बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। घटाते समय आपको ध्यान देना है कि अगर अलग चिन्ह का वो होगा तो घटाएंगे, और घटाते समय हमें बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है, ठीक है। अगर समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, जोड़ने समय जोड़ने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, ये ध्यान देना आपको। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी तक मात्र 16 बच्चे ने उत्तर किया, लास्ट 40 सेकंड। देखो सारे बच्चों को अपना उत्तर पोल सेक्शन में जरूर देना, अगर आप पोल में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी, तो सारे बच्चों को सबसे पहले तो पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। लास्ट 24 सूचन कर दे, ठीक है लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, सारे बच्चे करेंगे। देखो अगर आप पोल में उत्तर नहीं करते हो ना तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और दूसरा देखो सभी पोल डेटा को एनालाइज किया जाता है, उससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है और कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है। तो कोशिश क्या करो, सारे के सारे बच्चे जो है ना हर एक क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में जरूर दे, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, और जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है चलो। 5 4 3 2 1। चलो अंकित नाम से बच्चे जान के, हाँ दिखा दो एक बार, सविता सोनू नाम से बच्चे जान के आपका, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है अच्छे से दिखाओ सारे, हाँ सारे बच्चे अच्छे से दिखाएंगे अपना, हाँ ठीक है घटाते, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया आपने सही बनाया बहुत बढ़िया, हाँ मतलब सारे बच्चों ने आंसर सही किया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नीतीश नाम से जो बच्चा जान, नीतीश राणा नाम से जो बच्चा जान के, बाबू मैंने पहले बताया कि देखो अगर अलग चिन्ह का जोड़ घटाव करना होता है ना तो हम हमेशा घटाते हैं, और घटाने को बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया, बाकी आपने घटाया तो सही है लेकिन उसके बाद आपने जो चिन्ह लगाया उसमें चिन्ह में गलत किया, ठीक है चलो चलो करते हैं, चलो बनाते हैं इसको, बहुत बढ़िया सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना, ठीक है ठीक है चलो देखते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों का लसन, या चलो शॉर्टकट तरीका इसको या लॉन्ग कट तरीका देखते हैं। 5 और 3 का पहले लसन निकालते हैं, 5 और 3 का लसन जो होगा 5 15 लस हो गया इसका 15। फिर क्या करेंगे, नीचे वाला का भागा नीचे वाला का, तो 15 में भाग देंगे हम किसके साथ, 5 के साथ भाग दो, ये देखो आपके पास 5 15 कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया, कितना बार कटा, 3 बार में, और इस 3 का गुना करेंगे हम लोग ऊपर वाले के साथ, कितना हो जाएगा 14, फिर माइनस का माइनस, फिर करते हैं चलो
तीन का भागा 15 के साथ, किसके साथ, तीन का भागा 15 का साथ, ठीक है। चलो ये हो जाएगा तीन का भागा 15 के साथ, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, कितना बार में कटा, 5 बार, और 5 का गुना करेंगे हम लोग ऊपर वाला साथ 11 के साथ, है ना। चलो अब ये मिलकर देखो हमारे पास 14 का गुना 3 के साथ 14 × 2 = 28, 4 = 42, और 11 × 5 = 11, 55 बट्टा हो गया 15। अब यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलत किया है, देखो सिंपल, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना तो सबसे पहले आपको ये अलग इसे करके दिख लो, लिख लो, तो क्या है 42 और -55, आप पहले ये देखो 42 का कुछ नहीं तो क्या है प्लस का चिन्ह है, देखो दोनों क्या है, दोनों अलग चिन्ह वाले हैं, और हमने सिखा है कि सर अलग चिन्ह होता है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सर हमने सिखा है अलग चिन्ह का अगर जोड़ घटाव करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम घटाते हैं और घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, क्लियर है। चलो वही काम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, चलो अलग चिन्ह घटा दो, 55 में से 42 को घटा दो, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 3, 5 में से 4 = 1, 13 आ गया। अब बताओ 13 का आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो सर जो बड़ा हो, 55 बड़ा है और 55 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा यहाँ पे -13/15, माइनस का 13/15। यहाँ तक सभी बच्चे सही करते हैं, सिर्फ गलत कहाँ करते हैं, चिन्ह लगाने में, तो जो बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगता है, तो माइनस के सामने वाला बड़ा पूर्णांक है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो मेरा सही होगा। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न में भी उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आराम से, सिर्फ आपको देखना है कि अगर अलग चिन्ह हो तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है और 12 पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है, ठीक है। चलो आराम से बनाएंगे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे आराम से। चलो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है 19/7 में से 21/5 को घटाइए, 19/5 में से 21/5 को घटाइए, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, ठीक है। ध्यान आपको क्या देना है कि बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, क्या देना है हमको, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, इस बात पे ध्यान देना है, बाकी ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बाकी ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है, सिर्फ आपको घटाने वाला आना चाहिए, बाकी ये प्रश्न बहुत ही आसान है। चलो बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, लास्ट 1 मिनट, हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, चलो लास्ट 50, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात की आपकी अटेंडेंस पे इफेक्ट बनेगा, दूसरी बात की आपकी पोल डेटा एनालाइज नहीं हो पाएगी, हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है और कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है,
तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो 25 बच्चों ने कर दिया, बहुत ही है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया वो पोल सेक्शन में उत्तर कर देंगे, बाकी जिन बच्चों ने करते हैं वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1 चलो, जिनको भी आपका आंसर दिखाना अपना आंसर दिखा, ज्योति प्रकाश योर आंसर इज राइट, ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चे जान के आपने सही उत्तर किया है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे, धर्मवीर हाँ ठीक है, नीतीश नाम से जो बच्चे जान के, हाँ योर आंसर इज ऑल्सो राइट। चलो अब बहुत बच्चों ने आंसर सही करने लगा, हाँ इसी यही बोल रहा था कि हाँ जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, हाँ आपने सही किया, नितिन नाम से जो बच्चे जान के आपने सही किया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से बनानी है ना। चलो अब हमें क्या करना है, 7 और 5 का लसन निकालना है, निकालो 7 और 5 का, तो क्या होगा 7 5 का लसन सिंपली गुना कर दो, 7 × 5 कैंसिल कटने वाला नहीं है, क्या मिल जाएगा हमें 35, इसका लसन हो गया कितना 35। अब क्या करना है हमें, नीचे वाला का भाग करना है, नीचे वाले का 7 का भाग करना हमें किस में 35 में, भाग करो 7 से भाग करो 35 में, ये हो गया 7 × 5 = 35, कितना बार में कटा 5 बार में कटा, कितना बार में कटा 5 बार, और 5 का गुना किसे करना है हमें ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले का है 19 कर दिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। चलो अब आता है बात, यहाँ पे भी 5 है, और फिर 5 का भागा करना है किसके साथ 35 का, तो ये जगह देखो 5 × 7 = 35, कितना बार में कट गया, ये कट गया आपका 7 बार में, और 7 का गुना किससे करेंगे ऊपर वाला जो है 21 का, एक साथ कर दो। चलो अब आता है बात कि 19 का गुना जब 5 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 19 × 95, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 21 से गुना कर दो 7 के साथ, 21 से गुना करो 7 के साथ, 7 × 7 = 14, कितना आया 147 बट्टा में हो गया 35। चलो बट्टा में हो गया 35, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान है, ध्यान दो, देखो 147 और 95, 147 में क्या करो 95 को घटा दो, ठीक है घटाते, चलो 7 में से 5 किया 2, और यहाँ बच गया 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ तो क्लियर है कि 52 हो गया। अब बताओ सारे बच्चे के प्लस का चिन्ह रहेगा या माइनस का, तो हमने बताया जो भी बड़ा पूर्णांक 147 बड़ा या 95, 147 बड़ा और 147 का कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो इसका माइनस का चिन्ह लग जाएगा −52/35, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप YY टाइप कर दीजिए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप YY टाइप कर दीजिए, क्लियर है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में YY कर देना है, क्लियर है। चलो ये था आपका परिमेय संख्या का घटाव, जो कि बहुत ही आसान था, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने अच्छा से सही सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या का गुणा, और परिमेय संख्या गुणा सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख लेते हैं, चलो वो क्या है सारे बच्चे बताएंगे कि प्लस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, प्लस का गुणा अगर हम प्लस के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्लस प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्लस प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा अगर हम माइनस का गुना माइनस के साथ करें तो क्या प्राप्त होगा, इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत बढ़िया, माइनस गुना माइनस के साथ करेंगे क्या प्राप्त होगा, प्लस ही प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, प्लस ही प्राप्त होगा। क्या हमने क्या सीखा यहां से, हमने ये सीखा कि अगर हम समान चिन्ह का, क्या सीखा हमने, समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है, अगर हम समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है, पॉजिटिव का साइन मिलता है, क्या मिलता है, पॉजिटिव का साइन मिलता है, क्लियर है। चलो दूसरा
कि अगर अलग चीज एक पॉजिटिव में हो एक निगेटिव में हो, क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे? पॉजिटिव का गुना निगेटिव साथ, मतलब धनात्मक गुना ऋणात्मक साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा माइनस, हमें मिलेगा माइनस। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से सीखा हमने कि अगर अलग चीज, उसी प्रकार अगर मान लो माइनस से गुना प्लस के साथ करें क्या मिलेगा? माइनस गुना प्लस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा सर बच्चे बताएंगे? माइनस मिलेगा। यानी अगर हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हम लोग अलग चिन्ह का, क्या है ये, अलग चिन्ह का गुना करते हैं, क्या है, अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है? तो हमें ऋणात्मक निगेटिव, ऋणात्मक निगेटिव साइन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? निगेटिव। चलो इसमें लिख भी देता हूँ इंग्लिश में, क्या मिलेगा हमें? निगेटिव चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा हमें? निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? निगेटिव चिन्ह मिलेगा, निगेटिव साइन मिलेगा, ठीक है। चलो माइनस का क्लियर है। यानी अगर अलग चिन्ह का डिफरेंट साइन का गुना करते हैं तो हमें हमेशा निगेटिव चिन्ह मिलता है, ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है, और समान चिन्ह का हम गुना करते हैं तो हमें हमेशा धनात्मक का पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है, धनात्मक का पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है। जो भी बच्चे देखो, मैंने एक बार देखो, कविता कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, खुशी राम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, या मुरारी कुमार, ये जितने बच्चे ना, मैं सारे बच्चों को क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात पर ध्यान देंगे। मैंने एक बार बोला आप एक बार टाइप कर सकते हैं, एक बार मुझे समझ में आता है, आप हजार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह क्लास डिस्टर्ब होती है, अगर आप क्लास डिस्टर्ब करोगे आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात पर ध्यान देंगे आप, है ना। चलो इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं कीजिए आप। चलो क्लियर यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए, ठीक है। और ये चीजें मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मान लो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि बताइए आप कि माइनस का 20 या चलो प्लस का 20 गुने प्लस का 2 हमें क्या प्राप्त होगा? प्लस का 20 गुने प्लस का 2 हमें क्या प्राप्त होगा? चिन्ह के साथ उत्तर कीजिए, चिन्ह के साथ उत्तर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मिलने वाला है? तो हमने सीखा है सर समान चिन्ह, इसके पास भी प्लस का चिन्ह है, इसके पास भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 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 मिलेगा, यहाँ हो गया प्लस का चिन्ह, और 20 दुनी क्या हो गया? 20 दुनी हो गया 40, 20 दुनी हो गया 40, तो प्लस 20 का गुना प्लस 2 के साथ करेंगे क्या मिलेगा? प्लस का 40 मिलेगा, क्लियर है। चलो ये हो गया पहला, अब आता है दूसरा, अब आता है यहाँ पे दूसरा, क्या है दूसरा? सिंपल, अगर माइनस का 20 का गुना माइनस के 2 के साथ करें तब हमें क्या मिलेगा बताएंगे सर बच्चे? माइनस का 20 का गुना माइनस 2 के साथ करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? ध्यान से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? चिन्ह का गुना। सबसे पहले क्या होता है? चिन्ह का गुना। देखो इसके पास माइनस का गुना है, इसके पास क्या है? माइनस का। तो हमने सीखा है कि अगर समान चिन्ह का, देखो ये क्या है, समान चिन्ह है, अगर हम समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा प्लस मिलता है, यहाँ हो गया प्लस, और 20 दुनी क्या हो जाएगा? 40, 20 दुनी क्या हो जाएगा? 40, क्लियर है। समान चिन्ह का गुना करोगे हमेशा प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, देखो माइनस का 30 गुना या माइनस का 20 ही रखने दो अभी, गुना प्लस का 2 हमें क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे? माइनस का 20 गुना प्लस का 2 हमें क्या प्राप्त होने वाला है? ध्यान से करेंगे, सुरेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप खुद चले जाओ, आप क्यों चाहते हो कि मैं आपको क्लास से बाहर करूं? एक बार वाई टाइप करना है या एक बार ही आंसर देना, एक से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे सर हमने देखा कि ये अलग चिन्ह वाले हैं, एक माइनस का है और तो एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस का 40, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लस का 20 है और गुना माइनस का 2 है क्या मिलेगा हमें? प्लस का 20 है और गुना माइनस का 2 है तो हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि
हमें चिन्ह अलग हो या समान हो तो कैसे हमें गुना करना होता है। देखो अलग चिन्ह है तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का मिलेगा, तो ये हो गया माइनस और 20 दूनी 40। क्योंकि अगर आपको यही पे, क्योंकि आपने भिन्न का तो गुना भाग सीख लिया है, तो हमें रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में क्या सिर्फ है कि ये जोड़ घटाव जो साइन है, अगर साइन अलग अलग होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखना है इसमें। ठीक है, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन बोला है -6/5 का गुना 4 के साथ करना है। तो ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चलो सॉल्व करके बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करके बताएंगे सर बच्चे हमें क्या मिलेगा। चलो सॉल्व करके बताएंगे सर बच्चे हमें क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला हो तो नहीं कटाएंगे, सिंपल है। ठीक है, चलो अब आता है बात कि सर ये कट नहीं रहा है, तो देखो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, ऊपर क्या है माइनस का 6 × 4। देखो 4 के कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 का गुना 4 था तो 6 × 4 = 24। देखो ऊपर आ गया -24, इसलिए मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करा दिया कि चिन्ह अलग अलग चिन्ह का गुना हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नीचे क्या है, 5 है और गुने है 1, तो दोनों प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का 5, तो प्लस का 5 हो गया। तो ये लिखा आपके पास -24/5। बहुत बढ़िया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है, चलो अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, 15/8 × 3/20। कटने वाला होगा तो कटा दो, नहीं कटने वाला होगा तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। कटने वाला होता है तो हम कटा देते हैं, नहीं कटने वाला होता है तो हम ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है राजकुमार, मैंने आपका प्राइस देख लिया, आप कॉपी पर ध्यान दिया करो, पढ़ने पे ध्यान दिया करो, अभी मैं हम पढ़ रहे हैं ना, बाद में दिखा देना आपने जो प्राइस दिया। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर बच्चों का आंसर सही है। देखो बहुत बढ़िया, देखो क्या करना है, सिंपली अगर हमें ऊपर से नीचे कटने वाला तो कटा देना, देखो 5 से कटने वाला है, देखो 5 × 15 = 20। ठीक है, अब देखो हम नहीं कटने वाला, देखो ऊपर गुना ऊपर के साथ, 3 × 3 के साथ, नीचे गुना नीचे के साथ, 8 × 4 के साथ। ये देखो 3 × 3 = 9 और 8 × 4 = 32। क्या हो गया, 9/32। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये दूसरा तरीका, देखो इसका दूसरा भी तरीका, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर ये, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हम नहीं कटाएंगे तो आप मत कटाओ, सिंपल ऐसा कर दो, 15/8 है गुना 3/20 है, तो सिंपल ऐसे याद रखो कि हमें ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे गुना नीचे के साथ, तो ऊपर गुना ऊपर के साथ करो क्या मिलेगा, 15 × 3 = 45 और नीचे गुना करो तो 8 × 2 = 160। ठीक है, अब देखो अभी 5 से कट जाएगा, 5 से कटा दो, ये देखो 5 × 9 = 45, 5 से भाग दो, 5 × 3 = 15, 5 = 10। देखो यहाँ से भी क्या रहा है, 9/32। आपको जिस तरीके से बनाना उस तरीके से बनाओ, आपका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, चलो अगर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न, और प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 3 × -7/15 के साथ करना है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होती है, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। क्लियर है सर बच्चों का, चलो बहुत बढ़िया, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होती है। चलो लास्ट 40 सेकेंड,
जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्द जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो सबसे पहली बात कि आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका डेटा अगर मेरे पास नहीं आएगा तो हम लोग आपका डेटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इससे आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। लास्ट थर्टी सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी आपके पास 10 सेकेंड का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व करो और इसका आंसर कहां करो, तो पोल सेक्शन में जाकर आप इस प्रश्न का उत्तर करो, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। चलो बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। चलो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, बाकी जिन बच्चों ने किया बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1 क्लियर है। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे, चलो उनका देख लेते हैं हम एक बार। चलो सविता सोनू नाम से बच्चा ज्वाइन किया, सोनू कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी दिखा देंगे, हाँ चलो मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं ना सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत ही आसान है सिंपल। देखो क्या करना था, देखो ध्यान दो, 3 + 3 = 3 × 5 = 15। उससे पहले आप क्या बोल सकते थे कि 3 के नीचे कुछ नहीं था, क्या है? 1 है। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आया 1 का गुना -7 के साथ, नीचे आया 1 का गुना +5 के साथ। चलो एक एक करके गुना करो, 1 का गुना जब 1 क्या है प्लस में है, किसके साथ करेंगे -7 करेंगे, तो +7 = 7। ये हो गया आपके पास माइनस के साथ। और दूसरा करेंगे 1 जो है प्लस में का गुना +5 के, दोनों प्लस है तो ++++5 = 5। ये हो गया -7/+5 जो कि बराबर होगा -7/5 के। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप YY टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना, बहुत ही आसान प्रश्न। एक बार आपको वाई टाइप करना है, एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप या कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है, एक से ज्यादा बार नहीं करना। चलो इसी प्रकार से एक और प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे, और ये भी प्रश्न ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न ना किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा, ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा। चलो आराम से, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा। चलो देखो बहुत बच्चे आंसर भी सही करने लगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर उम्मीद करते हैं कि किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा, है ना। चलो आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट एक मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है ना।
मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमें इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करनी होती है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, चलो लास्ट 30 सेकेंड, ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वो बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। अगर आप उत्तर नहीं करोगे ना तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पर ध्यान देंगे आप। तो सारे बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है। और इससे हम लोग देखो कितने फायदा उठा सकते हैं, हम लोग आपका डेटा एनालाइज करते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है। तो कोशिश किया कीजिए कि सारे बच्चे जरूर 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 पोल में आंसर करें, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। क्लियर है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। और जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया बच्चे क्या करेंगे, अपना उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया नीतीश नाम से, जो बच्चे नितिन नाम से जो बच्चे जानते हैं आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दो। देखो क्या करते हैं, 5 का 5 से कट गया, 5 5 ठीक है। चलो आपको कटने वाला नहीं, कटने वाला ध्यान दो, ऊपर का गुना ऊपर के साथ, 4 का गुना 1 से 7 और 1 का गुना 7 के साथ क्या मिलने वाला है, 4 1 4 और 7 1 7, 4/7। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप WY टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में WY टाइप कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया ना। चलो अब आपको क्या करना है, आपका अपना होमवर्क नोट डाउन करना है जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 23.1 और प्रश्नवाली 23.2, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। अंकित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अंकित प्रजापति, बाबू इस प्रकार के हरकतें क्यों करते हो, आप चाहते हो आपको क्लास से बाहर किया जाए, चलो मैं आपको क्लास से बाहर कर देता, ठीक है। चलो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में N टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे Y टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में N टाइप करो और यहाँ रुको, अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में Y टाइप करके जा सकते हो।